देख रहे हैं लोकतंत्र समाचार और मैं आपके साथ हूं श्रद्धा सुमन। आपका स्वागत है यूपी स्पेशल न्यूज में। और आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नज़र। सीजीआई रंजन गोगोई से विश्व हिंदू परिषद की गुहार। मायावती ने कहा अब किसी चुनाव में नहीं होगा बसपा और सपा का गठबंधन। अयोध्या विवाद पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम किशोर प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अस्पताल में भर्ती। मुस्लिम युवक के लिंचिंग पर आजम खां का बड़ा बयान। और आइए डालते हैं इन सभी खबरों पर एक नज़र। सीजीआई रंजन गोगोई जो हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं, उन्हें विश्व हिंदू परिषद ने पत्र लिखा है। इस पत्र में अयोध्या राम मंदिर बनाने का पूरा मामला खत्म करने की बात कही गई है। इस पत्र में श्री राम विरोधी ताकतों से निपटने और अयोध्या विवाद को जल्द से जल्द खत्म करने की बात कही गई है। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। सीजेआई रंजन गोगोई से विश्व हिंदू परिषद की गुहार। श्री राम विरोधी ताकतों से निपटे, जल्द निपटाए अयोध्या विवाद। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद ने कोशिशें तेज कर दी हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर इस मसले को लेकर दबाव बनाने के लिए अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई से भी गुहार लगाई है। सरकार और सीजेआई के नाम पर पत्र में विहिप ने कहा है कि देश में भगवान श्री राम विरोधी ताकतों से सख्ती के साथ निपटा जाए, जबकि अयोध्या विवाद जल्द से जल्द हल किया जाए। मायावती ने एक ट्वीट कर कहा कि अब किसी भी चुनाव में नहीं होगा सपा व बसपा का समझौता। उन्होंने कहा कि सपा कभी भी बीजेपी को हराना ही नहीं चाहती, इसलिए ये गठबंधन होना अब नामुमकिन है। वहीं रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हुई। इस मीटिंग में उन्होंने ये सारी बातें अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखी और उन्होंने इसके साथ यह भी जानकारी दी कि हार के बाद अखिलेश यादव ने उन्हें कॉल तक नहीं किया और उसके बाद बड़प्पन दिखाकर मायावती ने खुद अखिलेश यादव को हार के बारे में बताते हुए कॉल किया। मायावती बोली अब किसी चुनाव में नहीं होगा बसपा व सपा का समझौता, क्योंकि सपा बीजेपी को हराना ही नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने सोमवार को एक के बाद एक ट्वीट कर आगामी चुनाव की रणनीति और सपा संघ गठबंधन पर स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि बसपा अब भविष्य में होने वाली छोटे व बड़े चुनाव में अकेले ही लड़ेगा। शब्दों को घुमा फिराकर बसपा प्रमुख ने कहा कि सपा भाजपा को कभी हराना ही नहीं चाहती, इसलिए गठबंधन करना बेकार है। अपने ट्वीट में मायावती ने गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने की स्थिति साफ करते हुए लिखा कि लोकसभा आम चुनाव के बाद सपा का व्यवहार बीएसपी को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसा करके बीजेपी को आगे हरा पाना संभव होगा, जो संभव नहीं है। अतः पार्टी व मूवमेंट के हित में अब बीएसपी आगे होने वाले सभी छोटे बड़े चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या राम मंदिर विवाद पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम एक नया कानून बनाकर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। आइए देखते हैं इस मामले की पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अलग कानून बनाकर राम मंदिर बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में कोई संशय नहीं है, यह जरूर बनेगा। मौर्य ने अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की जन्मोत्सव के मौके पर आयोजित संत सम्मेलन में यह बात कही। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले भी 10 जून को मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें गुड़गांव के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को खराब सेहत के कारण गाजियाबाद के कौसाम्बी स्थित यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही है। इससे पहले 10 जून को मुलायम सिंह यादव को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहीं आज उन्हें यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची में हुए लिंचिंग के मामले पर आजम खां का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब ऐसे मामलों पर हमें हैरानी नहीं होती, क्योंकि अब ऐसे मामले आम हो गए हैं और यहां पर कातिल ही मसीहा बन जाता है। मुस्लिम युवक की लिंचिंग पर बोले आजम खां, अब कातिल ही मसीहा हो गया है। झारखंड में मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां ने कहा है कि इस पर हमें बहुत हैरत नहीं होती। इन हादसों की तादाद इतनी हो गई है कि कोई सुनने वाला नहीं है। अब इस देश में कातिल ही मसीहा हो गया है। 1947 के बाद यही हो रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा नहीं होता, अब हुआ है तो भुगतिए। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोकतंत्र समाचार। धन्यवाद।